हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय नेक्स्ट व्लॉग। और आज एक और दिन चढ़ा है, धूप निकली हुई है, मौसम ठीक है, हम पंखे में सो रहे हैं, मौसम काफ़ी अच्छा है। सच में बताऊं तो सुबह सुबह पंखे में भी ठंड लग रही है। मे बी आज का दिन वो जो गोलगप्पा चैलेंज में हारा था, तब चैलेंज हारने की जो सज़ा मिलने वाली है वो शायद आज पनिशमेंट मिलने वाली है। तो भैया देखते हैं आज क्या मिलने वाली है। इनके पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन उन्होंने चूज़ कर रखा भैया बर्तन धोने हैं या फिर कपड़े धोने हैं। 12:30 हो गए हैं तो देखते हैं क्या स्टार्ट करना है। सो गाइस, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है और ये चिंटा मेरा उठा नहीं अभी तक। और मैं जनरली अपने इंस्टाग्राम और जो मेरा कर लो कारोबार वाला चैनल है उस पर मैं अभी एक शॉर्ट बना कर भी डाला है, तो कर लो कारोबार पर वीडियो नहीं बना कर डाल पा रहा हूँ। डेली ब्लॉग तो चल रहे हैं चलो, और अभी मैं अपने जो ट्रैवल अपडेट्स वाला चैनल उस पर भी मैं अभी अपडेट न्यूज़ डालने वाला हूँ केदारनाथ यात्रा को लेकर। पर अगर आप लोग अपने बिजनेस को प्रमोट करवाना चाहते हैं, कोई भी काम कर रहे हो, अगर वो घर से हो सकता है, आपको कांटेक्ट कर सकता है बंदा, और किस चीज़ में डील कर रहे हो उसका एक शॉर्ट वीडियो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे डीएम कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे मिल जाएगी, तो आप शेयर करो, मैं आपके बिजनेस को प्रमोट करूंगा अपने चैनल पे, मतलब कर लो कारोबार वाले पे उस पे शेयर करूंगा। शायद कुछ मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू भी कुछ बूस्ट मिल जाए या कुछ काम मिल जाए या थोड़ा बहुत क्लाइंटेज मिल जाए। डेफिनेटली आप शेयर कर सकते हो किसी तरह का कोई बिजनेस ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी। चिड़ियाँ कितना खूबसूरत चहचहा रही हैं, तो कितने अच्छे लग रहा है। पर अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है, समझ आना चाहिए सामने वाले को, ये ना वो समझ ही ना आए, पता नहीं क्या बोल रहे हो और क्या हो रहा है, कुछ पता ही ना चले, तो ऐसा मत करना। तो बाकी हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है तो बस खाने लगे हैं। न्यूज़ देख रहा हूँ, सुशील सिंह जो थे पहलवान भाई साहब पकड़े गए हैं, इन्होंने अपना करियर ख़राब कर लिया है। चलो हम खाना खाएँ, बाकी उसके बाद अपने चैलेंज को अंजाम देना है। तो गाइस, इनका मूड चेंज हो गया है, अब ये कपड़े धोने की बात कर रहे हैं। और कपड़े देखो कितने सारे निकाल दिए इन्होंने, करते हैं कार्रवाई, कैसे करते हैं मेरे को ध्यान नहीं, पर देखते हैं चलो। तो भैया हम आ गए बाहर, आज धूप निकली हुई है करारी, मशीन हमारी इधर है, बहुत पुरानी है पर अभी तक चल रही है, तो LG का साथ है बड़ा प्यारा। हाँ भाई, अब क्या करना है ये बताओ, क्या करूँ, मशीन में पाइप है, हाँ चलो पाइप निकाल लिया, पता हो क्या करना है, ये पाइप को यहाँ लगाना है। एक मिनट, अंदर बाल्टी है, हाँ वॉश पे ही है, वॉश, अच्छा वॉश इधर आ गया पानी। चलो इसके बाद क्या करना है, इसको कितना भरना है, कितना डालना है सर, अभी रहा सरफ तो ऑन हो गई, लाओ सर्फ लाओ, चलो अभी और डालना है, अरे कितना भरना है इसको, डालना शुरू करें, चलो पहले सफेद कपड़े, ठीक है चलो पहले सफेद कपड़े अंदर डालूं हाथ से या अपने आप ले आएंगे, ये सफेद तो नहीं है, बैठ गया हूँ फिलहाल तो, पर मुझे नहीं पता इतना बोरिंग काम है कपड़े धोने का। वो कपड़े डाल दिए हैं तो कह रहे वेट करो 5-7 मिनट वेट करूँ फिर जाएं, मतलब बंदा बीच में फिर क्या करेगा। मैं लैपटॉप पर बैठता हूँ तो वहाँ टाइम का पता नहीं चलता, 1-1.5-2 घंटे कब निकल जाते हैं। बाकी मैंने जैसे ही बताया, कर लो कारोबार के लिए अगर कोई अपना बिजनेस डालना चाहता है तो मुझे DM कर सकता है मुझे इंस्टाग्राम पर। वैक्सीन तो सरकार ने हमारे यहाँ पर बंद कर दी है, वैक्सीन 18 प्लस वालों की, अब हमारी तो बुकिंग ही नहीं हो पा रही, इवन पेड वालों में बुकिंग नहीं दे रहे। आया नहीं, इधर आ जा भाई, दूध यहीं रख दिया ज़रा, नहीं नहीं इधर आओ इधर, डेली खोलते हो, और एक ये बेवकूफ़ बनाने वाला काम जरूर करते हैं, बिना लॉगिन करे आप जब सर्च करते हो तो उसमें वैक्सीन दिखाता है, पर जब आप लॉगिन करके अंदर एंटर करते हो तो वैक्सीन फुल पैक दिखा देता है, मतलब ये बार बार करता है। इनका ये सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है क्या है, क्योंकि वो लॉगिन करने के बाद वो भसूड़ी फिर सर्च में डालो तो एक एक करके फिर सर्च करो, हमें लगता है गलत फहमी है, बार बार करते करते मैं मतलब टाइम भी खोटी दिमाग भी खोटी, ऑलमोस्ट ये करते हुए मुझे 15-20 दिन हो गए लगातार, हमें तो कोई वैक्सीन ना फ्री वाली ना पेड वाली कोई भी नहीं दिखी। आप लोग भी सुन रहे होंगे न्यूज़ में बता रहे हैं कि जो लोग जिनके घर में डेथ होगी कोरोना से उनको 50,000 रुपये प्लस मतलब 2,500 रुपये महीना देंगे, हमारे केजरीवाल जी की बात हो रही है। और दूसरा नर्स डॉक्टर के फैमिली में अगर कोई डेथ होगी तो 1 करोड़ रुपये देंगे, तो
चलो ठीक है, अच्छा है। अब तो वो एक नया जो एक और बसूड़ी पड़ गई है, वो जो फंगस है, ब्लैक फंगस, उसकी भी कहानी ख़राब हो गई है। और थर्ड लहर भी कह रहे हैं सुनने में आ गई है। मैंने सुबह न्यूज़ में देख रहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले सिंगापुर की बसूड़ी पड़ी, सिंगापुर में कह रहे हैं 800 बच्चों की डेथ होगी कोरोना से। अभी वही सेम स्टोरी सुनने में आई है कि राजस्थान में लगभग 350 बच्चे कोरोना हो गया बच्चों को। तो लहर जो तीसरी कह रहे हैं बच्चों के लिए बहुत ख़तरनाक है। अभी तक तो इन्होंने बीच वालों को 18 प्लस वालों को वैक्सीन नहीं दी, तो आगे वालों की क्या बात की जाए। यही बातें करने को है भाई, हो गए 7-8 मिनट। ये वॉशिंग मशीन है, ये समझ लो हम जब दिल्ली में आए थे और मतलब काफ़ी टाइम पुरानी है, ऑलमोस्ट 20 साल प्लस हो गए, इतने टाइम से चल रही है। चलो ये बातें तो ख़त्म होने से रही, कोई ना कोई फिर दिमाग में बात आ जाएगी, फिर मैं बात शेयर करूँगा। तो चलते हैं बर्तन कह रहा हूँ कपड़ों को करने, शिफ्ट करने। तो चलो ठीक कह रहे हो सुरिंदर जी, फुफड़ी जी थी मतलब बुआ जी के हस्बैंड, उनकी बड़ी सिस्टर की डेथ हो गई है, वो कनाडा अपनी बेटी को चढ़ाने गए थे, कोई बात कर रहे हैं। चलो जी, जिसकी लिखी है क्या कर सकते हैं, यहाँ से निकाल के इधर डालने हैं। चलते में से निकाल दो, बंद कर दो, तो जोड़ने हैं तो फिर ये क्या करेगा? अरे तो साबुन का तो जोड़ो, देख लो भैया पीछे करो ना थोड़ा, देखो भैया मैं ही कर रहा हूँ, कोई और नहीं कर रहा, मैंने शूट ही करा। ऐसे भी डालो खोल के थोड़ा, मतलब ऐसे, मतलब वो बड़बड़ करेगा ना, हाँ ऐसे करके, ये अब ऑन करूँ? पकड़ो, मुझसे नहीं होगा। अरे जुगाड़ का ये मिला नहीं ना उसका ढक्कन, वो लगाओ ना ढक्कन, ढक्कन तोड़ दिया था ना वो मेड से, टूट गया था। ओ वो वापस से मिलाने के लिए लाओ और कपड़े डालो फिर। कल पानी चालू कर दिया है क्यों? ये इधर करना है, देखा भैया पुरानी है तो क्या हुआ, ये देखो पानी आ रहा है, ये सारा पानी निकल रहा है। चलो और डालना है कुछ, पूछो मम्मी का, कोई कपड़ा कुपड़ा है, निचोड़ रहा है वो और ये धुल रहा है। तो हम भी ब्रेक ले लेते हैं, किस में डालने हैं, क्या सुखाने हैं, लाओ कपड़े उसमें और डालो। चलो वाइपर कहाँ भी, ये रहा, धुल तो गए पर पूरी मैंने तरह नहीं धोए भैया, हेल्प करी है उसने, थोड़ा कार्रवाई अपनी करते हैं, देखते हैं यार बाद में कुछ और मदद कर दूँगा साथ में उसकी। तो हमने सुबह इसको बोला भाई पढ़ाई वढ़ाई कर ले, तो क्वेश्चन का आंसर पूछते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट योर चाइल्डहुड ऑफ अ जैन मदर। जैन कौन है भाई? चल बता फिर उसके चाइल्डहुड के बारे में बता जल्दी। तो पूरा याद करना भाई, चल भाग यहाँ से, पूरा याद करके आई हो भाई। इसको मैंने झांसा दिया था, मैं कहा स्ट्रीमिंग कराऊंगा एक दिन, इसको करा दी दिमाग खराब हो गया था, अपनी वीडियो देखता रहता है एक तो है। चलो फटाफट कर पढ़ाई कर ले, पहले स्ट्रीमिंग करूँगा। वो छुटकू लाइव स्ट्रीम कर रहा है मेरे चैनल पे सुपर गेमर जतिन पे। लाइव स्ट्रीमिंग का पार्ट 1 मैंने 2 बार देखा यार, ये क्या हो गया तू यार? मैं कहा चलो खेलता तो था, तो वैसे भी आधा घंटा खेलता था, मैं कहा इसी बहाने लाइव स्ट्रीम करा देते हैं, क्या पता लोग छोटे बच्चे को खेलता हुआ देखना चाहें। आधा घंटा मैं जरूर मांगता था माइनक्राफ्ट से, तो मैं कहा बेकार में खिला के कोई फ़ायदा नहीं है, लाइव स्ट्रीम करा दो, क्या जाता है, सेटअप सारा है ही, गेमिंग चैनल भी है। सुबह मैंने आधा अधूरा काम करा, मतलब आधा काम इसने करा आधा काम मैंने करा, पूरी तरह से नहीं करा, बाकी देखते हैं आधा थोड़ा हाथ बटा देंगे और आगे किसी और फ्यूचर में काम में। फिलहाल सब ठीक ठाक है,